प्रदेश से जहां यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है। पार्टी सदस्यता दिलाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी में ज्यादातर विधायकों और सांसदों पर आपराधिक मुकदमे हैं। हालांकि उन्होंने अतीक अहमद पर चल रहे मुकदमों को लेकर कहा कि अभी दोष साबित नहीं हुआ है। जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है 30% उसमें सीरियस चार्जेस है उनके ऊपर, और बीजेपी की जो अलाई जेडीयू है उसमें 81% एमपीस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में एक सांसद है मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है, आप जानते हैं। लखनऊ में कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा केंद्र सरकार जनता की कमाई से पिछले 60 साल में बनाए गए सार्वजनिक उपक्रमों को किराए के भाव पर बेचने पर आमादा है। सभी कुछ गुपचुप तरीके से तय किया गया और फिर इसकी अचानक घोषणा कर दी गई।